ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हो गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर है, ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद का समय मांगा है ईडी से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है, समन गैर कानूनी लेकिन फिर भी जवाब देने को तैयार। 12 मार्च के बाद वर्चुअली सुनवाई में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 मार्च के बाद का समय मांगा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और 12 मार्च के बाद जो भी तारीख निर्धारित की जाएगी ईडी की तरफ से, उस दिन वर्चुअली ईडी के सवालों का जवाब देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। अपराजिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, एक बड़ी खबर है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि अब तक हर समन को इग्नोर कर रहे थे, उन्होंने अब जवाब दिया और कहा कि समन भले ही गैरकानूनी है लेकिन मैं फिर भी जवाब देने को तैयार, और 12 तारीख के बाद का समय मांगा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल हितेन, दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है हितेन। और केजरीवाल लगातार ईडी के समन को गैर कानूनी बताते आए हैं। ये जो मामला है दिल्ली शराब घोटाले का मामला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था लेकिन आज भी उन्होंने इनकार कर दिया है। ये 8वां समन है ईडी का, इससे पहले 7 और नोटिस जारी कर किया जा चुका है ईडी के द्वारा, मगर उन्होंने हमेशा किसी ना किसी वजह से इस समन को गैर कानूनी बताया है और पेश होने से मना कर दिया है। अब फाइनली आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने जवाब भेजा है, और साथ ही देखिए लगातार आम आदमी पार्टी हो या फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल हो या कोई भी आम आदमी पार्टी का लीडर, तो हमेशा आरोप लगाती आई है केंद्र सरकार पर कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रच रहा है। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है, उन्होंने कहा है कि समन गैर कानूनी है लेकिन फिर भी वो जवाब देने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी जैसा आपने बताया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे हितेन। चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। 8वां समन था ये जिसका जवाब दिया, आज पेश होना था ईडी के सामने लेकिन आज भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन एक जवाब दिया है, एक सकारात्मक बात रखी है सामने कि 12 मार्च के बाद की तारीख निर्धारित करें ईडी, उसके बाद वर्चुअली वो सवालों का जवाब देंगे।